नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रबी फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन और उसकी उपयोगी विधियां और आधुनिक तकनीकी क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने बंधुओं को कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटी के आइकोन को दबाना न भूलें। चलिए बात करते हैं रवि फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन। रवि फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन, हमारे देश में रवि ऋतु में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें मुख्य हैं खाद्य फसलें गेहूं और जौ तथा दलहनी फसलों के अंतर्गत चना मसूर मटर आते हैं और रवि फसलों में तिलहनी फसलों में सरसों और कुसुम आते हैं तथा चारे में जई बरसीम और रीझ का प्रमुख है और शर्करा में रबी फसलों के अंतर्गत चकुंदर रबी की प्रमुख फसल है। पिछले 5 दशकों में रबी की फसलों में की उपज में बढ़ोतरी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इससे कुछ समस्याएं भी खड़ी हुई है। लेकिन इस उपज की बढ़वार के जो उपाय माने जाते हैं वो है सिंचित क्षेत्र का को बढ़ावा देना, अधिक उपज वाली किस्मों का अनुकूलन यानी नई नई किस्मों का उपयोग, उर्वरक का प्रयोग और फसल बचाव तथा दवाइयों को बढ़ावा देना इसमें प्रमुख कारण हो सकते हैं। इन फसल बचाव दवाइयों के प्रयोग को बढ़ावा मिलने से हमारे वातावरण में बहुत तरह के प्रदूषण जैसे जल वायु मिट्टी प्रदूषण आदि बहुत सी नई बीमारियां और कीटों का यानी उद्गम हुआ है यानी उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन सभी की रोकथाम हेतु एवं फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन अति आवश्यक है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कीट प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कीटों से भारतीय खेती को ये ध्यान देने वाले आंकड़े हैं किसान भाइयों, खेती को 26% नुकसान हो रहा है, जबकि यानी कीटों से अकेले से 26% नुकसान हो रहा है, जबकि खरपतवार से 33%, रोगों से 26% और पक्षियों एम निमोटोड से 15%। अगर हम रबी फसलों का समुचित कीट प्रबंधन करें तो इस नुकसान से बचा जा सकता है और उपज में वृद्धि की जा सकती है। भारत देश में कीटनाशी उपयोग करने की मात्रा 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर है, जिनमें सबसे प्रमुख राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, यानी कि इन सब में सबसे अधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ उन कीटों का विवरण बता रहे हैं आपको जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि बहुत से कीट होते हैं फसलों में, लेकिन जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। रबी फसलों में लगने वाले कीट इस प्रकार हैं, गेहूं में माहू, दीमक, गुजिया आदि हैं, जौ में दीमक, गुजिया, माहू कीट है और राई यानी सरसों में आरा मक्खी, बालदार गिडार, माहू और चित्रित बग आदि हैं। सूरजमुखी में हरे फुटके, लीफ कटरपिलर, कटवरम आदि हैं। अलसी में सेमिलीपुर और गालमीड कीट आदि हैं। कुसुम में है थीरप एम बर्डफ्लाई, माहू, कटरवरम और कटरपिलर आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार चना की फसल में फली वेदक, सेमुलुपुर, कटुआ कीट और मटर में तना छेदक, पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट और फली छेदक आदि है। मसूर में माहू एवं फली छेदक ये कीट प्रमुख हैं, जो कि रबी की फसलों में किसान भाइयों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं और फसल का उत्पादन गिर जाता है। एकीकृत कीट नियंत्रण क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संतुलन नहीं बिगड़ता है इससे। रासायनिक कीट नियंत्रण में पाया गया है कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, बहुत सारे ऐसे कीट दिखने लगते हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। यदि एकीकृत कीट नियंत्रण विधि अपनाई जाए तो इन तरह के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। कीटनाशी अवशेषों के खतरे को कम किया जा सकता है। यह तो निश्चित है कि एकीकृत कीट नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत कीटनाशकों का उपयोग कम होगा, जिसमें कीटनाशी अवशेषों द्वारा उत्पन्न खतरनाक परिणामों से बचा जा सकता है और किसान भाइयों का जो कीटनाशकों पर खर्च अधिक होता है उससे भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। कीटों
कीटनाशी रसायन प्रतिरोधी जातियों के विकास को रोका गया, निलंबित किया जा सकता है। कीट नियंत्रण मामले में वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञों के लिए कीट का कीटनाशी रसायनों को प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित होना एक निराशापूर्ण अनुभव है, जैसा कि अभी तक हो रहा है। कीटनाशक का प्रयोग करने से कीट संरक्षा का वह भाग जो रोधक होता है वह तो मर जाता है तथा शेष संख्या जीवित रहती है, वह स्वतंत्र रूप से बढ़ती है। इस प्रकार यदि रासायनिक नियंत्रण के पश्चात जैविक नियंत्रण की विधि अपनाई जाए तो कीटनाशकों के प्रयोग से हुई हानि और कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। इस तरह के कीटनाशकों के प्रति अवरोधकता की जैसी संभावनाएं बहुत कम होंगी। ये अति सक्षम और अलव्यापी नियंत्रण विधि है। आमतौर पर देखा गया है कि कीट समस्या जब अत्यंत गंभीर हो जाती है तो कीटनाशकों का प्रयोग शुरू किया जाता है, किंतु एकीकृत कीट नियंत्रण विधि में तो प्रारंभिक विधियों से ही नियंत्रण किया जाता है। जैसे कि बसंत के प्रारंभ में यदि कुछ पुष्पकलिकाओं के ऊपर कीटों के एंड समूह को नष्ट कर दिया जाए तो कीटनाशी पर व्यय होने वाले पर्याप्त धनराशि बच जाती है। इससे धन की बचत होती है तथा साथ ही कीट प्रकोप प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। रबी फसलों में एकीकृत कीट नियंत्रण के उपाय, यानी वो कौन से उपाय हैं कि जिससे आप कीट नियंत्रण कर सकते हैं एकीकृत विधि द्वारा। रबी फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन के तहत कीटों की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए इन चीजों पर ध्यान रखा जाता है, जैसे सस्य जलवायु, भूमि की दशा, किस्मों का चुनाव और किसान की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर निर्भरता कैसी है। कीट नियंत्रण की विधियां, सस्य विधि। रबी फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन हेतु सस्य विधि के अंतर्गत सस्य क्रियाएं सम्मिलित है, जिनको घटा बढ़ाकर हम कीटों के आक्रमण को कम कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। फसलों की बुआई और कटाई के समय में परिवर्तन करके, इस विधि से हम फसलें बदलकर कीटों के नियंत्रण पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि कीटों के जीवन चक्र पर विपरीत प्रभाव पड़ने से हम उन पर संख्या बढ़ने से रोक लगा सकते हैं। यानी इस विधि के द्वारा जो कीटों की जनसंख्या और जीवन चक्र चलता रहता है उस पर हम विराम लगा के और उनसे छुटकारा पा सकते हैं। सफाई और अवशेष, इस रबी फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन विधि में सफाई और फसलों के अवशेषों में खरपतवारों को नष्ट करना होता है। ग्रीष्म ऋतु में जुताई करके, फसल कटने के बाद ग्रीष्म ऋतु में खेत की जुताई करके छोड़ देते हैं, जिससे कीटों के लार्वा या पयूपा नीचे से ऊपर आकर तेज धूप में नष्ट हो जाते हैं और कीट नियंत्रण पर काफी असर पड़ता है, क्योंकि इनको रोगों का या कीटों का जनक माना जाता है। चक्र द्वारा कीट नियंत्रण, आमतौर पर एक ही फसल लेने पर कीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। इस प्रकार समय निर्भर कीट नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर फसल चक्र बदलते रहें, जिससे कीट ज्यादा पनप न सके। यानी एक खेत में एक ही प्रकार की खेती न करें, किसान भाई अदल बदल कर फसल चक्र अपना कर इन पर रोक लगाई जा सकती है। निराई गुड़ाई, रबी फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन विधि द्वारा भी समय समय पर कीटों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। मिश्रित कार्य, कुछ कीटों को हम खाद की मात्रा में प्रवर्तित करके जल व्यवस्था एवं अन्य फसलों को लगाकर कीटों के नुकसान को कम किया जा सकता है। भौतिक विधियां, रबी फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन हेतु भौतिक विधियों में आमतौर पर भौतिक साधनों जैसे तापक्रम, ठंडा प्रकाश, दवनीय आर्द्रता तथा ऊर्जा का उपयोग कीटों को मारने में किया जा सकता है। यांत्रिक विधियां, रबी फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए यांत्रिक विधि अपनाकर कीटों को हम इस विधि से कीट आमतौर पर अपने भोजन तक न पहुंचे और इसमें वो सभी प्रयास आते हैं जिनमें कीट प्रौढ़ होने से पहले ही उनके अंडों अवयवों को हाथ से नष्ट करना भी इस विधि के अंतर्गत आता है। अभी इस विधि में एक और विधि है, जैव नियंत्रण विधि, जो सबसे आवश्यक और सबसे जरूरी है। रबी फसलों में जैविक नियंत्रण अब कीट प्रबंधन कार्यक्रम में सबसे सफल सिद्ध हुआ है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक पारिस्थितिक घटना है जो सवे चल रही है। जैविक विधि का प्रयोग प्राकृतिक शत्रुओं में परजीवी कीट, परभक्षी कीट, सूत्रकर्मी, कवक, जीवाणु एवं विषाणु सम्मिलित किए जाते हैं, जो पर्यावरण पर कोई हानि कारक प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में जीवाणुओं एवं विषाणुओं का हानिकारक कीटों के नियंत्रण में
सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। इस विधि में तंबाकू की सुगंधित जने की फली वेदक का सफलतापूर्वक नियंत्रण किया गया है। रवि फसलों में एकीकृत जीव नियंत्रण करना बहुत आसान है। इसके लिए खेत में प्रभावित सुनियों को इकट्ठा करके उनके हल्के कपड़े में मसल कर घोल बनाते हैं, फिर इस घोल को छान कर इसका शाम के समय छिड़काव करते हैं। एक एकड़ के लिए 300 से 500 मस्क सुंडियों को खेत में इकट्ठा करके ये सुंडियां शाखाओं पर लटक या चिपकी देखी जा सकती हैं, और एक एकड़ के लिए 250 से 300 लीटर पानी छिड़काव के लिए जरूरी होता है। यानी इतने पानी में इनके घोल को मिलाकर आप छिड़काव करेंगे तो भी कीट नियंत्रण होगा। फसलों में कीट प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग। रबी फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन हेतु प्रतिरोधी किस्में एकीकृत कीट प्रबंधन की नींव है। निम्न आर्थिक स्तर की फसलें और अनाज में कीट प्रतिरोधी जातियों का उपयोग कीट नियंत्रण का प्रमुख साधन होगा, क्योंकि इन फसलों को उगाने वाला किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। एकीकृत कीट नियंत्रण में कीट प्रतिरोधी किस्मों के उन मुख्य कीटों के नियंत्रण में कीटनाशकों के उपयोग से पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा तथा मुख्य नाशक कीट में कमी आएगी। अब रासायनिक विधियां जो हम आमतौर पर अपनाते हैं जब कीटों का प्रकोप हमारी फसलों पर होता है, तो वो इस प्रकार है। किसान भाइयों, रवि फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन में इस विधि का मुख्य उद्देश्य कीटनाशक का रसायनों के द्वारा उन्मूलन नहीं है, बल्कि रसायनों को एक विशेष परिस्थिति में ही उपयोग में लाया जाएगा और जरूरत के समय इनका प्रयोग कम विषाक्त वाले कीटनाशकों का किया जाएगा। यानी इस एकीकृत विधि के तहत इस रासायनिक कीटों का प्रयोग नगण्य है, लेकिन वो परिस्थितियां जो भयानक हो जाती है और ज्यादा नुकसान होने का फसल में अंदेशा रहता है तो ही इन रासायनिक कीटों का प्रयोग इस विधि में किया जाता है। कीट एकत्र के नियंत्रण। रवि फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन के तहत कीटों को अपरिपक्व अवस्था में जैसे सुंडी इत्यादि तो हाथ से पकड़कर एकत्रित कर ली जाती है, परंतु कीट नियंत्रण के लिए विभिन्न तरीके से कीटों को पकड़कर नियंत्रित किया जाता है। प्रकाश प्रपंच। अधिकतर कीट प्रकाश प्रेमी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसको एकत्रित करने के लिए प्रकाश प्रपंच एक सर्वोत्तम उपकरण है। प्रकाश प्रपंच कई प्रकार के होते हैं। आमतौर पर प्रकाश प्रपंच को पानी भरकर एक चौड़े बर्तन में रख देते हैं, जिसके ऊपर मिट्टी के तेल की परत छाई रहती है। इस बर्तन के मध्यम की कुछ ऊंचाई एवं प्रकाश स्रोत यानी LED जो होते हैं बल्ब या फिर पेट्रोमैक्स लगाते हैं, जिसे कीट प्रकाश की ओर आते हैं एवं उससे टकराकर पानी में गिर जाते हैं तथा बाद में उन्हें एकत्रित कर लिया जाता है। हस्तजाल। हस्तजाल एक लकड़ी का लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा हैंडल होता है, जिसके ऊपर सिरे पर 30 सेंटीमीटर व्यास वाली लोहे की रिंग लगी होती है। इससे कीट को पकड़ने के लिए हैंडल को हाथ में पकड़कर थैले को एक तरफ से एक झटके के साथ बैठे हुए कीटों पर डाल देते हैं और जल्दी ही ऊपर लाते हैं। झटके के साथ थैले के रिंग के ऊपर रख लेते हैं एवं अंदर आए कीट को हाथ में पकड़कर एकत्रित कर लेते हैं। अब परलोभनों का प्रयोग। रवि फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के तहत कुछ विशेष प्रकार के कीटों को पकड़ने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। इसके लिए शरबत इत्र और कंवारी मादाओं का प्रयोग करके प्रलोभ का प्रयोग भी सफल रहता है। चूषक यंत्र द्वारा कुछ छोटे छोटे कीट जैसे माहू खुदगा आदि को एकत्रित करने के लिए चूषक यंत्र काफी प्रभावशाली पाया गया है। इसे कांच की बोतल पर रबड़ की कार फिट रहती है। कारक में दो छेद जिन पर नालियां लगी होती हैं, रबड़ की नली को दुरुस्त छोर पर कीट के पास लाकर दूसरी ओर कांच की नली से हवा चूसते हैं। नतीजन कीट बोतल के अंदर हवा के साथ खींच कर आ जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि की दशा एकीकृत कीट प्रबंधन विकास करने और अपने व्यवहार में लाने से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह विधि अधिक प्रभावी और कम खर्चीली होने के कारण नाशक कीटों का सफल नियंत्रण पर अधिक उपज दिलाने में समर्थ होगी। इस रवि फसलों की विधि के अंतर्गत कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाए, जिससे फलस्वरूप कीटनाशकों की मात्रा में कमी आएगी तथा वातावरण में भी कम प्रदूषित होगा और कीटनाशकों की मात्रा कम प्रयोग होने के कारण उपचारित क्षेत्रों पर अवशेषों की मात्रा कमी आएगी।
एम यह है कि एक नियंत्रण एक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वरदान साबित होगा, यानी ये विशेषज्ञों की राय है। लेकिन ये जो जितने भी विधियां हैं कीट एकीकृत प्रणाली की, ये आप किसान भाई हमारी वेबसाइट dainikjagriti.com पे आके भी पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से इसके बारे में जान सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी विधियां हैं जिनको हम कीट एकीकृत प्रणाली बोलते हैं। इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके इनको पढ़ सकते हैं। और मैं एक बार फिर कहूंगा कि यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अंत में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बाद में दिखाई देने वाले घंटी के आइकॉन को दबाना न भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद।